हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोशल मीडिया ट्रिक्स ऑफिशियल। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपने अपने चैनल के व्यूज़ को चेक करते होंगे और इंप्रेशन करते होंगे। अगर हमारा चैनल सही भी चल रहा है, हम अब वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो अब कई बार आपने क्या देखा होगा कि अच्छे से अगर चैनल ग्रो होते होते एकदम से हम और वीडियोज़ डाल रहे हैं, पर एकदम से हमारे व्यूज़ कई बार डाउन होने लग जाते हैं। हमारे चैनल पर जो व्यूज़ होते हैं या इंप्रेशंस होते हैं, एकदम से डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके कुछ रीज़न हैं जो खुद मैंने अपने चैनल के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस पे आपको बताने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं जिससे आपके व्यूज़ ड्रॉप हो रहे हैं और उनको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जैसे वो डाउन ना हो बल्कि अच्छे से ग्रो हो। तो इस वीडियो के मैं आपको मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हमारी वीडियोस के पर व्यूज़ कब कैसे बढ़ते हैं और कैसे आते हैं। जैसे कि जितना ज़्यादा यूट्यूब हमारी वीडियो को दूसरों को रेकमेंड करेगा, वैसे ही हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा हमारे रेकमेंडेशन वीडियोस की ज़्यादा होगी, जितने लोगों तक वो वीडियो पहुँचेगी, उतनी ही ज़्यादा आपके व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे। सही भाषा में कहें तो इंप्रेशन के ऊपर आपके वीडियो के व्यूज़ डिपेंड करते हैं। जितने ज़्यादा हमारे चैनल पर इंप्रेशंस आएंगे, उतने ज़्यादा हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। और जैसे ही YouTube हमारे वीडियो के इंप्रेशन को कम कर देता है, हमारे चैनल के इंप्रेशन को कम करने लग जाता है, तब हमारे व्यूज़ ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लग जाते हैं। जैसे अगर YouTube हमारी वीडियो को रेकमेंड ही नहीं करेगा तो हमारे व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे। तो मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स के थ्रू आपको बताता हूँ कि आपके कैसे, ये मेरे चैनल के इंप्रेशन है। ये देखिए, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो ये आप शुरू से देखेंगे जनवरी 19 लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरे चैनल्स के ऊपर नीचे होते थे, ऊपर नीचे हो रहे थे, मेरे इंप्रेशन बहुत कम थे भाई उस टाइम। ये मैं किसी को रेकमेंड करता तो तब मुझे नहीं चलाना आता था। पर आप यहाँ पे देखोगे मई 24 से अप्रैल 3 के बीच में मेरे व्यूज़, मेरे चैनल के इंप्रेशन एकदम से बढ़ने स्टार्ट हो गए। वो कैसे हुए, क्योंकि मैं उस टाइम पे मुझे पता लग गया था कि मैं रेगुलर अगर वीडियोस अपलोड करता हूँ तो मेरे चैनल के व्यूज़ अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ से मैंने एक टाइम बांध लिया कि मैंने एक हफ्ते में एक बार अपने वीडियोस अपलोड करने लगा। तो वहाँ पे आप देखोगे कि मई 10, ये जो मेरा एक यहाँ पे यहाँ तक मेरे चैनल के इम्प्रेशन गए, फिर से ग्राफ नीचे आने लग जाएगा क्योंकि मई में मेरे एग्ज़ाम थे। जब आप देखोगे कि मई में मेरे एग्ज़ाम थे, यहाँ पर मैंने वीडियोस कुछ देर में, जैसे मैं हफ्ते में एक बार वीडियो अपलोड करता था, यहाँ पे मैंने वीडियोस अपलोड करना छोड़ दिया। ये मैं दिखाऊं जैसे आपको, मई में मेरे ऐसे इंप्रेशन है और जून में मेरा ग्राफ आप देखोगे तो ये डिक्रीज़ करना शुरू हो गया। यहाँ पर जुलाई में अगर आप जाओगे तो लगातार मेरा ग्राफ मेरे चैनल का ऐसे गिरता गया क्योंकि मैंने कुछ देर के लिए, मैं अपने एग्ज़ाम में बिजी होकर मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। इससे आपको फ़र्क क्या पड़ता है कि जब आप कोई नई वीडियो अपलोड करते हो तो उस नई वीडियो का इंप्रेशन जो यूट्यूब होता है, उस नई जो पुरानी वीडियोस होती हैं उनके भी इंप्रेशन यूट्यूब नए लोगों तक भेजता है। पर आप अगर आप नई वीडियो जब अपलोड करते हो तो उसके कुछ नए इंप्रेशन होते हैं, वो भी यूट्यूब और लोगों को रेकमेंड करता है, जो अपने आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं पुराने और नए लोगों को भी रेकमेंड करता है। उससे अगर आपकी नई वीडियो कोई देखता है तो उसके नीचे आपकी पुरानी वीडियोज़ भी सजेस्टेड में आने लग जाती हैं, तो इससे आपके इंप्रेशन दूसरी वीडियोज़ के भी बढ़ने लग जाते हैं। पर अगर आप जब आप वीडियो रेगुलर पोस्ट करना छोड़ देते हो तो वो आपकी नई वीडियो के इंप्रेशन तो बिल्कुल नहीं होते, और नई वीडियो क्योंकि आपने डाली नहीं तो पुरानी वीडियोस के आपके इंप्रेशन भी कम होने लग जाते हैं क्योंकि वो नई वीडियो के नीचे नहीं, इंप्रेशन भी नहीं आती। ये जो आप मेरा ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पर जाकर मैंने दोबारा से, मुझे उतना ही टाइम लगा जब मैंने दोबारा पोस्ट करने लगा, तो अब मैं दोबारा पोस्ट करने लगा हूँ तो अब मेरे ग्राफ ऊपर जाने लगा। तो आपको सबसे पहले तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपको वीडियोस रेगुलर पोस्ट करनी है, और दूसरी बात आपने जो टाइम फिक्स किया है, जो टाइम मतलब आप एक हफ्ते में अपलोड करते हो तो आपको एक हफ्ते में ही वीडियो को अपलोड करना है। एक हफ्ते में सेम टाइम आपको अपलोड का टाइम सेम रखना है। आप अगर आप 5 AM करते हो तो 5 AM पर ही आपको वीडियोस आपको अपलोड करनी है। एक टाइम फिक्स आपका टाइम होना चाहिए तो यूट्यूब नोटिफिकेशन में ज़्यादा भेजता है और आपकी वीडियो ज़्यादा रेकमेंड करती है और आपके व्यूज़ बढ़ जाते हैं।
तो व्यूज़ डाउन होने का मेन कारण यही है कि आप अगर रेगुलर वीडियो आपकी बीच में छोड़ छोड़ कर वीडियो अपलोड करोगे तो आपका चैनल के व्यूज़ डाउन ही होंगे, अप नहीं होंगे। और अगर दूसरी बड़ी बात, अगर आप और टॉपिक पर किसी भी पर वीडियो बनाते हो, यहाँ मैंने जब दोबारा से शुरुआत की तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जिस पर व्यूज़ बिल्कुल नहीं आए क्योंकि मेरी ऑडियंस उस हिसाब की नहीं थी। तो आप अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाते तो आपको व्यूज़ इंप्रेशंस आपके ज़रूर डाउन होते हैं क्योंकि आपकी ऑडियंस नहीं होती, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट आपकी वीडियो का नहीं होता, तो आपके वीडियो पर इंप्रेशन बिल्कुल डाउन होंगे। तो आपको एक ही कैटेगरी की वीडियो बनानी है और रेगुलर वीडियो अपलोड करनी है और आपने एक फिक्स टाइम पर वीडियो अपलोड करनी है, तो ही आपके व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे, नहीं तो आपका इंप्रेशंस डाउन होने लग जाएंगे। आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हम उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।